नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी यूट्यूब चेनल में। मित्रों आजना विडियो में आपणे वात करीशुं डॉक्टर आंबेडकर आवास योजना विषे के जे योजना अंतर्गत मकान बांधकाम माटे रूपिया 1,32,000 सुधीनी सहाय मळवापात्र थाय छे। योजनानो लाभ छे ते कोने कोने मळवापात्र थशे, योजनानो लाभ मेळववा माटे क्या क्या डॉक्यूमेंटनी जरूर पड़शे, आ तमाम माहिती एक ज वीडियोमां मेळवशो। वीडियोनी शरूआत करीए ते पहेला वीडियो गमे तो लाइक अने शेर करी देजो, चेनलमां नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो। तो चालो मित्रों वीडियोनी शरूआत करीए। तो मित्रों आज डॉक्टर आंबेडकर आवास योजना छे ते एक समाज कल्याण विभागनी योजना छे। सौथी पहेला चर्चा करीशुं आ योजनाना मुख्य हेतु विषे। तो मित्रों आ योजनानो मुख्य हेतु ए छे के जे अनुसूचित जातिना लोको छे के जेमनी आर्थिक स्थिति नबड़ी छे अने खास करीने तेओ गरीबी रेखा नीचे जीवन जीवे छे अने ते घर विहोणा लोको छे के जेमनी पासे मित्रों खुल्लो प्लॉट होय अथवा तो तद्दन काचुं गार माटीनुं मकान होय अथवा तो घासपूड़ानुं मकान होय अथवा तो कोबा टाइपनुं मकान होय। तेमनी पासे जे मकान छे, जे मकानमां रहे छे ते मकान रहेवा माटे योग्य न होय तो तेवा लोकोने नवु मकाननुं बांधकाम करवा माटे आ योजना हेठळ सहाय आपवामां आवे छे। अथवा तो ऑलरेडी तेमनी पासे रहेवा माटे मकान छे अने तेमने प्रथम माळे उपर बीजु मकाननुं बांधकाम करवुं छे तो ते मकानना बांधकाम करवा माटे पण योजना हेठळ सहाय आपवामां आवे छे। एटले के आ जे डॉक्टर आंबेडकर आवास योजना छे ते योजनानो लाभ अनुसूचित जातिना उमेदवारने मळशे के जेमनी पासे घर नथी, घर विहोणा लोको छे, तेमने मकाननुं बांधकाम करवुं होय तो मकानना बांधकाम करवा माटे योजना हेठळ सहाय आपवामां आवे छे। परंतु तेमनी पासे खुल्लो प्लॉट होवो जोईए अथवा तो काचुं गार माटीनुं मकान होवुं जोईए अथवा तो घासपूड़ा के कुबा टाइपनुं मकान होवुं जोईए तो मित्रों तेमने योजनानो लाभ मळवापात्र थशे। जे प्लॉट उपर मकाननुं बांधकाम करवुं छे ते जे प्लॉट छे ते अरजदारना नामनो होवो जोईए अथवा तो ऑलरेडी मकान होय अने तेना उपर प्रथम माळे नवुं मकाननुं बांधकाम करवुं होय तो पण योजना हेठळ तेमने सहाय आपवामां आवे छे। बात करिए मित्रों सहाय केटली मळवापात्र थशे तो अही मित्रों मकानना बांधकाम करवा माटे रूपिया 1,20,000 नी सहाय छे ते आपवामां आवे छे अने ते पण अलग अलग 3 हप्तामां सहाय चूकववामां आवशे। प्रथम हप्तो क्यारे चूकववामां आवशे तो प्रथम हप्तो छे ते वहीवटीनी मंजूरी आपशे, वहीवटी मंजूरी आवशे त्यारी साथे ज मित्रों प्रथम हप्तो छे ते चूकववामां आवशे अने प्रथम हप्तानी रकम रूपिया 40,000 रहेशे। त्यार पछी बीजो हप्तो क्यारे मळवापात्र थशे तो जे मकाननुं बांधकाम छे ते लिंटल लेवल सुधी पहोंचशे त्यारे मित्रों बीजो हप्तो मळवापात्र थशे अने बीजा हप्तानी रकम छे ते रूपिया 60,000 नी रहेशे। त्रीजो हप्तो क्यारे मळवापात्र थशे तो त्रीजो हप्तो छे ते मकाननुं बांधकाम संपूर्णपणे पूर्ण थयेल हशे त्यार पछी त्रीजो हप्तो मळवापात्र थशे। अहीं मित्रों शौचालय सहितनुं बांधकाम पूरुं करवानुं रहेशे अने त्रीजा हप्तानी रकम छे ते रूपिया 20,000 नी रहेशे। આવી રીતે મકાન બાંધકામ કરવા માટે રૂપિયા 1,20,000 ની સહાય આ યોજના હેઠળ આપવામાં આવે છે અને અલગ અલગ 3 હપ્તામાં સહાયની રકમની ચૂકવણી કરવામાં આવશે। આગળ મિત્રો ચર્ચા કરીશું ડોક્ટર આંબેડકર આવાસ યોજનાના નિયમો કેવા રહેશે, યોજનાની શરતો કેવી રહેશે। तो अहीं मित्रों लाभार्थी द्वारा अथवा तो लाभार्थीना अन्य कुटुंबना सभ्यों द्वारा सरकारश्री द्वारा अमलित कोई पण आवास योजना होय ते योजनानो लाभ लीधेल होवो जोईए नहीं। जो लाभार्थी द्वारा अथवा तो लाभार्थीना अन्य कुटुंबना सभ्यों द्वारा सरकारश्री द्वारा अमलित कोई पण आवास योजनानो लाभ लीधेल हशे तेवा संजोगोमां आ योजनानो लाभ मळवापात्र थतो नथी। योजनानो लाभ मेळवવો હોય તો અહીં એક વાર્ષિક આવક મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવેલ છે। અરજદાર જો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો તેમની વાર્ષિક આવક રૂપિયા 1,20,000 સુધીની હોવી જોઈએ। જો અરજદાર શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો તેમની વાર્ષિક આવક રૂપિયા 1,50,000 સુધીની હોવી જોઈએ। અહીં જે વાર્ષિક આવક નક્કી કરવામાં આવેલ છે તે વાર્ષિક આવક કરતાં જો અરજદારની આવક વધુ હશે તેવા સંજોગોમાં પણ આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થતો નથી। अहीं मित्रों मकाननी जे सहाय छे तेनी रकम रूपिया 1,20,000 नी रहेशे। परंतु वधुमां जो शौचालय माटे रूपिया 12,000 नी सहाय मळवापात्र हशे तो तेमने अलगथी योजनाना नियम प्रमाणे सहाय मळवापात्र रहेशे। एटले के जे अरजदारने शौचालय माटे पण जे 12,000 रूपिया सहाय मळशे तो तेमने आ योजना हेठळ रूपिया 1,32,000 नी सहाय मळवापात्र थशे। परंतु जे लाभार्थीने शौचालय माटे आज शौचालय माटेनी सहाय छे रूपिया 12,000 ते जो योजनाना नियम प्रमाणे न मळवापात्र होय तो तेमने रूपिया 1,20,000 नी जे सहाय मळे छे मकानना बांधकाम माटे तेमांथी ने तेमने शौचालयनुं बांधकाम करवानुं रहेशे। आगळ चर्चा करीए तो आ योजना हेठळ बनेल मकान उपर लाभार्थीए राज्य सरकारनी आंबेडकर आवास योजना ए मुजबनी एक तकदी लगावानी रहेशे। ત્યાર પછી તો કે મકાન બાંધકામની ટોચ મર્યાદા અહીં એક નક્કી કરવામાં આવેલ છે। શહેરી વિસ્તાર માટે રૂપિયા 10 લાખની રહેશે, જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂપિયા 7 લાખની રહેશે। આગળ વાત કરીએ તો મકાન સહાયના પ્રથમ હપ્તાની ચૂકવણી થયેથી 2 વર્ષની અંદર મકાનનું બાંધકામ છે તે સંપૂર્ણપણે પૂરું કરી દેવાનું રહેશે। જો 2 વર્ષની અંદર મકાનનું બાંધકામ પૂરું ન થયેલ હોય તો બાકીના જે હપ્તાની રકમ છે તે મળવાપાત્ર થતી નથી। अहीं मित्रों लाभार्थी नी उमर पण एक नक्की करवामां आवेल छे। लाभार्थी नी उमर अर्जी करती समये 21 वर्षनी होवी जोईए, 21 वर्ष करता ओछी उमर लाभार्थी नी होवी जोईए नहीं। बात करी लईए आपणे अर्जी फॉर्म विशे तो आ योजनानो लाभ मेळवो होय तो तमारे ऑनलाइन अर्जी फॉर्म भरवानुं रहेशे। जे ई समाज कल्याणनुं पोर्टल छे esamajkalyan.gujarat.gov.in ते पोर्टल पर जई अने तमारे ऑनलाइन अर्जी फॉर्म भरी देवानुं रहेशे। हाल अत्यारे मित्रों ऑनलाइन अर्जी फॉर्म शरू छे। ऑनलाइन अर्जी फॉर्म भरवा माटे क्या-क्या डॉक्यूमेंटनी जरूर पड़शे तेना विशे चर्चा करीए तो अहीं सौथी पहेला अरजदारना आधार कार्डनी नकलनी जरूर पड़शे, त्यार पछी रेशन कार्डनी जरूर पड़शे, त्यार पछी अरजदारनी जाति अथवा तो पेटा जातिना दाखलानी नकलनी जरूर पड़शे, त्यार पछी वार्षिक आवकना दाखलानी जरूर पड़शे, त्यार पछी अरजदार जे जग्याए रहता होय ते जग्याना રહેઠાણના પુરાવાની નકલ આપવાની રહેશે, જેમ કે વીજળી બિલ છે, લાયસન્સ છે, ભાડા કરાર છે, ચૂંટણી કાર્ડ છે, રેશન કાર્ડ છે। આ 5 ડોક્યુમેન્ટમાંથી કોઈ પણ એક ડોક્યુમેન્ટ રહેઠાણના પુરાવા તરીકે રજૂ કરવાનું રહેશે। ત્યાર પછી જમીન માલિકીનો આધાર અથવા તો દસ્તાવેજ અથવા તો આકરણી પત્રક અથવા તો હક પત્રક અથવા તો સનદ પત્રક જે લાગુ પડતું હોય તે અહીં એક ડોક્યુમેન્ટ આપવાનું રહેશે। ત્યાર પછી અરજદારના બેંક ખાતાની પાસબુકના પ્રથમ પાનાની નકલ અથવા તો રદ કરેલ ચેક આપવાનો રહેશે। ત્યાર પછી જો અરજદાર વિધવા ઉમેદવાર હોય તેવા સંજોગોમાં પતિના મરણનો દાખલો રજૂ કરવાનો રહેશે। आगळ जे जमीन उपर मकाननुं बांधकाम करवानुं छे ते जमीनना क्षेत्रफळ जणावता चतुर्दिशा दर्शावता नक्शानी नकल आपवानी रहेशे अने आ नक्शामां तलाटीकम मंत्रीनी सही होवी फरजियात छे। त्यार पछी अरजदारना चूंटणी कार्डनी नकल अहीं आपवानी रहेशे। त्यार पछी मकान बांधकामनी चिठ्ठी अहीं रजू करवानी रहेशे। त्यार पछी सेल्फ डिक्लेरेशन એટલે કે સ્વઘોષણા પત્ર પણ આપવાનું રહેશે। અંતમાં મિત્રો જે જગ્યા ઉપર મકાનનું બાંધકામ કરવું છે તે જગ્યાના ખુલ્લા પ્લોટનો ફોટો અથવા તો જો મકાન જર્જરિત હોય તો તે મકાનનો ફોટો અહીં આપવાનો રહેશે। ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરતી વખતે અરજદારે આટલા ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે। તો આ રીતે મિત્રો જે ડોક્ટર આંબેડકર આવાસ યોજના છે તે યોજના હેઠળ મકાનના બાંધકામ માટે રૂપિયા 1,20,000 ની સહાય છે તે આપવામાં આવે છે, પરંતુ જે અરજદારને અહીં શૌચાલય માટે અલગથી સહાય મળવાપાત્ર છે તેમને અલગથી રૂપિયા 12,000 ની સહાય આપવામાં આવે છે। एवी रीते मित्रों कुल 1,32,000 नी सहाय छे ते आ योजना हेठळ आपवामां आवे छे, परंतु जे अरजदारने अहीं अलगथी शौचालय माटे सहाय मळवापात्र नथी थती तो तेमने मात्र रूपिया 1,20,000 नी सहाय आपवामां आवशे अने 1,20,000 नी अंदर पण फरजियात शौचालयनुं बांधकाम पूरुं करवानुं रहेशे। तो आवी रीते मित्रों डॉक्टर आंबेडकर आवास योजना हेठळ नवुं मकाननुं बांधकाम करवुं होय तो सहाय मळवापात्र थाय छे। आशा राखू छू वीडियो पसंद पड़ियो हशे। वीडियो पसंद पड़ियो होय तो लाइक अने शेर करी देजो। चेनल मां नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो। फरी मळीशुं एक नवा टॉपिक साथे एक नवा ज विडियोमां। त्यां सुधी जय हिंद।